हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस ममता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। महिला बिजनेस के अंतर्गत ब्यूटी से जुड़े 10 बिजनेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जिन्हें महिलाएं आसानी से कर सकती है। जो महिलाएं घर पर रहकर ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे घर के कामकाज के अलावा बचे हुए समय का सदुपयोग हो सके और कुछ आय भी, और साथ ही साथ उनकी अपनी एक अलग पहचान भी हो। आइए, यहाँ कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ, उनमें से आप किसी भी बिजनेस को अपना सकती है। ब्यूटी पार्लर। जिन महिलाओं ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है वे ब्यूटी पार्लर खोल सकती है। इसके लिए ना तो मार्केट में किराए से दुकान लेने की आवश्यकता है और ना ही किसी तरह के हाईफाई डेकोरेशन की। आप अपने घर पर ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर शुरू कर सकती है। घर पर ही ब्यूटी पार्लर शुरू करने से आपको कई लाभ है। सबसे पहला, आपको ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए डेकोरेशन आदि पर बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, आप अपने हिसाब से घर पर रहकर टाइम मैनेज कर सकती है। और सबसे बड़ा फायदा, इसके लिए आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। होम ब्यूटी पार्लर शुरू करने के बाद आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। शुरुआत में आप माउथ पब्लिसिटी ही करें, आते जाते जान पहचान वाली महिलाओं से मिले और उन्हें अपने घर पर आकर ब्यूटी सर्विस के लिए कहे। एक बार आसपास की महिलाओं को पता चल जाने पर वे आपके यहाँ आना शुरू कर देंगी। ब्यूटी सर्विस एट होम। आजकल ब्यूटी सर्विस एट होम का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। कामकाजी महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता है कि छुट्टी के दिन समय निकालकर ब्यूटी पार्लर जाए और अपने नंबर आने का इंतजार करे। ऐसी महिलाएं घर पर ही ब्यूटी सर्विस लेना पसंद करती है, इससे उनके समय की बचत हो जाती है। आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, आपके पास ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह पर रहती है जहाँ तक महिलाओं को आने में परेशानी होती है, या फिर आपके घर पर इतनी जगह नहीं है जहाँ पर आप महिलाओं को बुला सके, ऐसे में आप ब्यूटी एट होम सर्विस शुरू कर सकती है। ब्यूटी एट होम सर्विस की खासियत यह है कि आप अपने हिसाब से कस्टमरों की संख्या और टाइम मैनेज कर सकती है। ऑनलाइन ब्यूटी केयर सर्विस। आप ऑनलाइन ब्यूटी केयर सर्विस द्वारा भी अच्छी कमाई कर सकती है। ऑनलाइन ब्यूटी सर्विस के लिए आपको एक वेबसाइट बनवानी होगी। इसके माध्यम से आप ब्यूटी से संबंधित अनेक तरह के सर्विस हैं जिन्हें आप वेबसाइट के द्वारा दे सकती है। वेबसाइट पर शहर के फेमस ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक सर्जन, योगा, फिटनेस इंस्ट्रक्टर आदि कंसल्टेंट को जोड़ सकती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ब्यूटी टूल्स, ब्यूटी पार्लर इक्विपमेंट, परफ्यूम आदि भी सेल कर सकती है। वेबसाइट पर शहर के उन सभी ब्यूटी पार्लर, स्पा सेंटर, फिटनेस एंड वेलनेस सेंटर, पंचकर्म चिकित्सा, केरला मसाज आदि ब्यूटी सर्विस देने वालों के नाम और डिटेल की एंट्री में फ्री करें। अब आप सोच रही होंगी कि एंट्री फ्री करने पर कमाई कैसे होगी, ऑनलाइन ब्यूटी केयर सर्विस से कमाई कैसे होगी। इस बारे में जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकती है। हेयर स्टाइल। फैशन और ब्यूटी की जब बात होती है, हेयर स्टाइल के बिना अधूरी होती है। यूथ हो या अधिक उम्र की महिलाएं स्टाइलिश लुक पाने के लिए तरह तरह के हेयर स्टाइल आजमाती है। आजकल हेयर स्टाइलिश को भी एक बिजनेस के तौर पर अपनाया जाने लगा है। ब्यूटिशियन की तरह आजकल महिलाओं और लड़कियों में नए नए स्टाइल की हेयर कटिंग करवाना फैशन बनता जा रहा है। ऐसे में हेयर स्टाइलिश की डिमांड पहले से काफी बढ़ गई है। हेयर स्टाइलिस्ट में नाम और पैसा दोनों है। जो महिला घर में रहकर कुछ नया करना चाहती है वो इस क्षेत्र में आ सकती है। इसके लिए वो अपने शहर के किसी फेमस ब्यूटी पार्लर से हेयर स्टाइल का कोर्स कर सकती है। जिन महिलाओं ने हेयर कटिंग का कोर्स किया है वे किसी ब्यूटी पार्लर में जॉब कर सकती है या अपने घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकती है। यदि आपके पास पार्लर खोलने के लिए पैसा नहीं है तो हेयर कटिंग सर्विस एट होम शुरू कर सकती है। आज हेयर स्टाइलिंग एक हॉट कैरियर के रूप में उभर कर सामने आया है। शहरों की बात छोड़िए, आज छोटे बड़े कस्बों में भी हेयर स्टाइलिस्ट को पहचानने लगे हैं। महिलाएं ब्यूटीशियन की तरह हेयर स्टाइलिस्ट बनकर भी आप अच्छी कमाई कर सकती है। मेहंदी बिजनेस। इस बिजनेस को अक्सर छोटा बिजनेस समझकर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि इसे प्लानिंग के साथ किया जाए तो इससे काफी अच्छी कमाई की जा सकती है। मेहंदी लगाना एक आर्ट है, कला है। कई तो बचपन से इस कला में माहिर होते हैं, यानी उन्हें कुदरती देन होती है। किसी किसी का ये खानदानी बिजनेस है जिसके चलते घर की महिलाएं बचपन से ही देखकर सीख जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो मेहंदी से होने वाली कमाई को देखते हुए इसे बिजनेस के तौर पर अपनाने के लिए सीखती है।
फिल्म और टीवी ने मेहंदी की रस्मों को हाईटेक बना दिया है। अब इस रस्म को पूरे धूमधाम और जोर शोर से मनाया जाता है। इसके लिए प्रोफेशनल मेहंदी लगाने वालों को बुलाया जाता है। जिन महिलाओं को मेहंदी लगानी आती है या जो बिजनेस करना चाहती है, वे सीखकर इसे अपना सकती है। पेडिक्योर और मैनिक्योर। ब्यूटी सर्विस में पेडिक्योर और मैनिक्योर की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। महिलाएं सिर्फ पेडिक्योर और मैनिक्योर का कोर्स करके भी इसे बिजनेस के तौर पर अपना सकती है। इस बिजनेस को भी आप घर से शुरू कर सकती है, किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर जॉब कर सकती है या फिर घर घर जाकर पेडिक्योर और मैनिक्योर सर्विस दे सकती है। ये सीधा साधा सरल सा दिखने वाला बिजनेस जरूर है, यदि इसे प्रोफेशनल तरीके से किया जाए तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। अधिकतर महिला इस तरह की सर्विस घर पर करवाना पसंद करती है, लेकिन वहाँ आसपास सुविधा न होने की वजह से उन्हें समय निकालकर पार्लर पर जाना पड़ता है। पेडिक्योर व मैनिक्योर सर्विस एट होम सर्विस देकर भी आप अच्छी कमाई कर सकती है। यदि आपने कुछ परमानेंट कस्टमर बना लिए तो नियमित आय होती रहेगी। नेल आर्ट। नेल आर्ट यानी नाखूनों पर तरह तरह के डिजाइन करने को ही नेल आर्ट कहा जाता है। कुछ समय पहले तक नेल आर्ट का फैशन सेलिब्रिटी और हाईफाई लोगों तक ही सीमित था, लेकिन आजकल इसका क्रेज आम लोगों में भी देखा जा रहा है, जिसके चलते नेल आर्ट पार्लर पर भीड़ देखी जा रही है। जिन्हें ड्राइंग या डिजाइनिंग आती है, जिन्हें नेल आर्ट में महारत हासिल है, वे नेल आर्ट पार्लर आसानी से शुरू कर सकती है। जिन्हें इस बिजनेस में नॉलेज नहीं है, वे इसे सीख कर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकती है। अनेकों प्राइवेट संस्थान में नेल आर्ट के शॉर्ट टर्म कोर्स करवाए जाते हैं, वहाँ से नेल आर्ट सीख सकती है। नेल आर्ट पार्लर को आप अपने घर से शुरू कर सकती है या ब्यूटी पार्लर से जुड़कर भी अपना बिजनेस कर सकती है। यदि मार्केट में शॉप लेकर शुरू करना चाहती है तो शहर के खास लोकेशन जैसे मेन मार्केट, भीड़भाड़ वाली जगह जहाँ महिलाओं का आना जाना लगा रहता है, बड़े ब्यूटी पार्लर के आसपास, लेडीज मार्केट, पॉश एरिया जैसे लोकेशन पर नेल आर्ट पार्लर को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ब्राइडल मेकअप। यदि आप अच्छा मेकअप कर लेती है तो इस बिजनेस को बखूबी कर सकती है। आजकल ब्राइडल मेकअप की काफी डिमांड है। शादी के वक्त स्पेशल ब्राइडल मेकअप करवाने का चलन बढ़ गया है। ब्यूटी पार्लर पर ब्राइडल मेकअप का चार्ज काफी अधिक होता है, ऐसे में हर किसी के द्वारा उनसे ब्राइडल मेकअप करवाना संभव नहीं है। यदि बड़े ब्यूटी पार्लर वालों की तुलना में आप काफी कम चार्ज करती है तो हर सीजन में काफी अच्छी कमाई कर सकती है। ब्राइडल मेकअप के अलावा भी आजकल कॉलेज गर्ल और महिलाएं पार्टी, मार्केट या सैर सपाट के लिए जब घर से बाहर निकलती है तो मेकअप करती है। ऐसी महिलाओं को भी आप मेकअप सर्विस एट होम दे सकती है या फिर घर से भी बिजनेस की शुरुआत कर सकती है। फेशियल सर्विस। स्किन की चमक को बनाए रखने के लिए समय समय पर चेहरे पर फेशियल करवाना जरूरी होता है। अनेक महिला इसे स्वयं नहीं कर पाती है, उन्हें फेशियल करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। आप इन महिलाओं के लिए फेशियल सर्विस एट होम दे सकती है। जिन महिलाओं को यह सर्विस देने के लिए जाए, उन्हें परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए कुछ छूट दे। फेशियल सर्विस एट होम यदि आप शुरू करना चाहती है तो इसकी पब्लिसिटी शहर के पॉश कॉलोनी में करें। अच्छे किस्म का कलर पंपलेट प्रिंट करवाएं, इन्हें अंग्रेजी पेपर में डालकर उन इलाके में बंटवाएं, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप पब्लिसिटी कर सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट की बिक्री। यदि आपने ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई कोर्स नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी महिला ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट में नेल पॉलिश, मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, क्रीम, स्प्रे आदि लाकर बेच सकती है। ब्यूटी प्रोडक्ट की बिक्री आप घर से कर सकती है या फिर घर घर जाकर सेल कर सकती है। ब्यूटी पार्लर वालों को भी ब्यूटी से संबंधित आइटम सप्लाई दे सकती है। ब्यूटी से संबंधित विभिन्न प्रकार के कोर्स सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समय समय पर फ्री में करवाए जाते हैं। घरेलू महिलाएं जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहती है, ब्यूटी से संबंधित बिजनेस को कैसे करना है उसके बारे में हमने अलग से भी जानकारी दी है। उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकती हैं। यदि आप उन बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी चाहती हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। फ्रेंड्स, ब्यूटी से संबंधित बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि बिजनेस से संबंधित अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। महिला बिजनेस और न्यू बिजनेस आइडिया के लिए बिजनेस मंथा ब्लॉग देख सकती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।